जिनके अंदर में वो पात्रता होती है उन्हीं को शक्तिपात या इनिशिएशन मिलती है। ज़्यादा ही अंदर में डिजायर्स, आसक्ति, छल कपट, झूठ, चोर चोरी की भावना या शक्ति, इस तरीके के विकार रहेंगे बहुत सारे ना, सदगुरु को भी उस साधक के पास से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो इसीलिए उसको त्याहार करना पड़ता है, पात्रता बढ़ती है तब। कोई कोई तो अपने आप बुला लेते हैं, आ जाओ तैयार है, किसी की पात्रता बढ़ती है। तो आप लोगों में से कि जिसे जिसे पात्रता बढ़ेगी उसी प्रकार से इनिशिएशन मिलेगी। अगर किसी में पात्रता आई ही नहीं तो इनिशिएशन ही नहीं करेंगे, क्योंकि बिना पात्रता के इनिशिएशन करके कोई फायदा नहीं है, बात गड़बड़ हो जाएगी। सब इनिशिएशन से ही कुछ नहीं होगा, इनिशिएशन तो हो ही रहा है यहीं से, स्पर्श रूपी इनिशिएशन वो तो यहीं से हो रहा है सबका। गुरु सब कुछ कर देगा ये भावना से निकल जाना। गुरु और शिष्य का एक संयोग बनता है, कि योग बनता है। योग योग का मतलब है हर काम में हमारा योग बनता है। एक तो योगेश्वर से योग करते हैं, इसी तरह से हर काम में योग बनता है। देखेंगे शिष्य और गुरु का योग आ गया, गुरु अपने आप पहुंच जाएगा, नहीं तो दूर से ही होने लगेगा। जैसे शादी का भी योग बनता है ना, इसी तरह से हर चीज़ का एक योग बनता है। तो जैसे पात्रता बढ़ेगी, कभी कभार तो निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं। कैसे? जैसे सागर के किनारे खड़े हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है पीछे ना आगे, बिल्कुल एकाग्र हो गए हैं। तो कभी कुछ झटका से कोई निर्विकल्प समाधि में भी चले जाते हैं। गुरु के होने मात्र से एक झटका मिला बस, लेकिन कोई सागर के किनारे जाके खड़ा रहेगा तभी। तो जिसकी जितनी पात्रता होगी उसके साथ उसी प्रकार की घटनाएं घटती है। तो अपनी पात्रता को बढ़ाना है, नहीं तो जब कृष्ण थे तो सबको एनलाइटन कर लेते, राम कृष्ण थे तब सबको कर देते, ओशो जब थे तो सबको कर देते ओशो भी। राम थे तब भी सबको कर देते, ऐसा नहीं होता। अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए कई साधकों की पात्रता दिख रहा हूँ, मतलब बहुत नीचे लेवल की पात्रता है। ऐसे हम वीडियो में ये सब बातें बहुत शुरू से कह के आए हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, पात्रता होनी चाहिए, पात्रता बढ़नी चाहिए इस तरीके से। और सिर्फ इनिशिएशन जागरण पे ही नहीं, अंतिम सत्य की बात की रही है वहाँ पे भी केंद्रित होना है। जिनकी जागरण हो रही है, पूरी प्यूरिफिकेशन होगी शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी घटनाएँ घट रही है। और अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए जो भी 2-4 दिन है, पूरे अकेले अकेले ध्यान में रहना है, केंद्रित करना है। जैसे ही पात्रता में देखूंगा बढ़ गई, मैं अपने आप जाके आपके पास इनिशिएशन कर लूंगा। देखूंगा किसी के पास वो नहीं है, वो लेने के नहीं, वो ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो वो जो शक्ति है, जो इनिशिएशन है गुरु के साथ जो प्रवाहित होती है, वो आपके लिए प्रवाहित ही नहीं होगी, आएगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं। तो इसलिए आज शुरू है, अभी बहुत काफ़ी समय है। जैसे कल कुछ लोग 7-8 लोग अवेकेंड हुए, फिर आज आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, कई लोग आज भी, कई लोगों के इनिशिएशन के लिए 1, 2, 3 माता जी अभी भी ध्यान में बैठी है, कई लोग इस तरीके से, फिर शाम को कई लोग, इस तरह से करते करते हमेशा 80-90% लोग अवेकेंड हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं पहले ही से, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में कोई भी चीज़ छुपाएंगे तो आप कट जाएंगे। पूरे आपके हृदय शुद्ध होना पड़ेगा, मन शुद्ध होना पड़ेगा। इसलिए कल ही मैंने बोला था कि कुंडलिनी जागरण इसलिए करना है कि मुझे सिद्धियाँ चाहिए, पैसे कमाना, ये सब भावना अगर रखेंगे तो मुश्किल है। फिर मुझे उस परम
परमात्मा चैतन्य में विलीन हो जाना है, सारे दुखों से निपट जाते हैं। यही भाव रखना अपने अंदर। इस जगत में बहुत नाच गान दौड़ भाव हो गया, अब कितना करोगे? वक्त आ रहा है, पूरी तरह से प्राण ही क्यों ना चल जाए। साधक जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है ना, कैसे पता चले कि पूरी तरह से? जब कोई गुरु उसका प्राण कह दे कि नदी में छलांग लगा दो तो भी तैयार हो जाएगा, तो सोचो वो तैयार हो गया है। उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, किस ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोकती नहीं है, क्योंकि मरने पे मिट गया। आना पड़ेगा उसके अंदर में परमात्मा को। लेकिन अभी उसकी जीने की चाहत बनी हुई है, चाहत है, इच्छाएं हैं, जिसे पूरा करना है। मैं शांति को पालू, परमात्मा को पालू, तो घर परिवार सबको मैं सुख शांति और दूंगा। ये सब चाहत आप किसी को नहीं दे सकते हो। शांति कोई किसी को नहीं दे सकता है, अपने अंदर ही शांति को अपने ढूंढना है, उसमें प्रवेश करना है। आत्मा जागरण के मार्ग में आएंगे और इसमें आपके अंदर पैसों के लिए की आसक्ति रहेगी ना, तो आप बहुत बेकार में आ रहे हैं। अभी बहुत थोड़ा दूर की यात्रा है आपकी, क्योंकि अभी भी मोह कहाँ है ना, उसको देखना पड़ता है। मोह उसी में रहेगा, परमात्मा भी मिल जाएगी, भी ऐसा नहीं होता है। वो अपना जगह पे है, उसको अपने जगह पे रहने देना है। यहां से अटैच नहीं रहना है, आसक्त नहीं रहना है प्रकृति की चीजों से, पूरी तरह से विरक्त हो जाना पड़ता है। प्रकृति के कोई भी कण कण जो चीजें, पूरी तरह से विरक्ति, वैराग्य होना पड़ेगा, पूरी तरह से वैराग्य, तभी आत्मा जागरण की बात बनती है। पूरी तरह से वैराग्य मतलब लगाव किसी में भी लगाव नहीं। मुझे कोई कहता ना गुस्सा आ गया, तो मैं गुस्सा आया कैसे, इसका मतलब है कहीं लगाव है। अभी पूर्ण रूप से तुम आकाश की भांति हुए नहीं हो, क्योंकि आकाश को किसी से लगाव नहीं है। है लगाव आकाश के अंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांड अपनी क्रियाएं कर रही है, काम कर रही है, घूम रही है आकाश गंगाएं, फिर भी आकाश को किसी से लगाव नहीं है। आकाश सदा अनछुआ होता है, कहीं से कुछ लगाव होगा तो गड़बड़ होगा। फिर गुस्सा आया यानी कि अहम है, कुछ घबराहट हुई इसका मतलब अहम है, कुछ लगाव है प्रकृति से अभी भी, कहीं किसी से भी अंतिम लगाव को भी ढूंढना है, नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग डर जाते हैं, क्या कहते हैं, ये गुरु तो ऐसा कह रहे हैं कि सब छोड़ना पड़ेगा, इच्छाएं, पैसे, ये वो। अब फिर मुझे देखते हैं कि ये तो खुद गाड़ी में घूम रहे हैं, ये तो मस्ती में है, बेटी के साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, किस कर रहे हैं, गले में लगा रहे हैं। तो बात यहाँ पे मतलब डाइजेस्ट नहीं होते। एक तरफ हमें क्या बोल रहे हैं, सब छोड़ो, सारी इच्छाएं छोड़ो, बेटा बेटी सबको जलाओ, और ये मस्ती में। मैं यहां से बातें करता हूँ, यहां से एक मेरे साधक ऐसे ही आता, मैंने बोला सब सब जला दो, छोड़ दो, आसाम बाइक के प्रति जो भी है सब जला दो। शायद मैं यहां दिखाना भूल गया था उसको, तो गुरु ने कहा एक दिन अपना बाइक निकालकर पेट्रोल डालकर उस जलाने वाला ही था। वहां थोड़ा गरीब था तो बड़ा मेहनत से कमाया हुआ था, फिर उसके दिमाग में आया गुरु जी ने कहा है जलाने के लिए, तो जलाऊं ना जलाऊं,
तो जलाने से पहले एक बार फिर पूछने आया, सच में जला दूं? मैंने कहा हाँ जला दो। नहीं, बाइक सच में जला दो? कहाँ पे है बाइक? नहीं, घर पे मैं रेडी करके रखा हूँ, पेट्रोल बाइक सब रेडी है, आप कहेंगे तो जला ही दूंगा, क्योंकि आप गुरु, अब तो मान ही लिया, आप जो कहेंगे तो करना पड़ेगा, मुझे तो चाहिए शांति मुक्ति। तो मैंने बोला सचमुच में जो घर पे जो बाइक वो जलाने वाले हो? उसने कहा हाँ। नहीं, तुम यहाँ जो आशक्ति है उसको जलाओ, जिसे आप लोगों को करवाया ना, यहाँ से जलाओ उसको। नहीं, वो बेचारा बाइक या कोई व्यक्ति, कोई जानवर, वो प्रकृति, अपना पेड़ पौधे, ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने खड़े हैं, यहाँ पे गड़बड़ी है। हम यहाँ की सफाई की बात कर रहे हैं, यहाँ जो जंगल है, यहाँ जो भीड़ लगी है, अब आप लोग यहाँ से जलाओगे तो घर में जाओगे तो क्या पत्नी नहीं रहेगी? रहेगी, सब रहेंगे। हमारे यहाँ जो मेमोरी, जो स्मृतिज है, उनको गला देना है, उनको जलाने की बात कही जा रही है। अब होता क्या है कि जब आत्मा को पूरी तरह से जानकर महाशून्य में विलीन हो जाएंगे, तो आपके अंदर में अकर्ता का भाव आ जाएगा। भाव ही कहना गलत है, मतलब एक अकर्ता, अकर्ता मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अंदर महसूस नहीं होगा कि मैं कर रहा हूं। कोई काम कर रहे हैं तो भी नहीं लगता है कि मैं कर रहा हूं, खा रहा हूं तो भी नहीं लगेगा कि मैं खा रहा हूं, किसी को गाली भी देना पड़ रहा है प्रारब्ध बस, तो गाली भी दे रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा कि मैं गाली दे रहा हूं। और जब कोई गाली आपको देगा तभी भी आपको नहीं लगेगा कि वो मुझे गाली दे रहा है। किसको दे रहा है? कोई शरीर ये खड़ा है उसको दे रहा है, मुझे दे रहा है, वो महसूस नहीं होगा कि मुझे गाली दे रहा है। तो सब कुछ करते हुए भी उसमें एक निष्क्रियता बनी हुई रहती है, शून्य के केंद्र बना हुआ रहता है, उसी में स्थिर हो जाते हैं। ये अद्भुत है, ये जब तक नहीं मिला तब तक कुछ नहीं। अकर्ता की स्थिति जब तक ना मिले तब तक अभ्यास जारी रहनी चाहिए, और अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वही अकर्ता की स्थिति को आत्मा स्थिति कहा जाता है, शून्य हो जाते हैं। शरीर में अपने आप को महसूस नहीं करोगे कि मैं शरीर में ही हूँ, शरीर के अंदर बाहर सर्वविभाग, सर्वव्यापक, अनंत स्वरूप, मतलब कहाँ नहीं हो, अखंड, अखंड प्रेम भी, अखंड स्वरूप, तो अकर्ता की स्थिति आती है। तो वहां पे ध्यान जब तक ना आए, गुरु जी कह रहे हैं वह अकर्ता की स्थिति, तब तक जो कुछ भी हो जाए हमें अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है, रुकने में लस है, आगे बढ़ते रहना। कुछ साधक आते हैं बहुत, कहते हैं मुझे पत्रता से मतलब नहीं है, आप गुरु हो तो सीधा मुझे एकदम ट्रांसफॉर्म करो, अभी नहीं हुआ तो फ्रॉड करो। वो गुरु को वो नचाना चाहते हैं, साधक अपने अनुसार से गुरु को चलाना चाहते हैं। देन यू आर ए गुरु, अदरवाइज यू आर नॉट अ गुरु। यहाँ पर भी आके वही बिजनेस, वही व्यापार, वही बुद्धि, जैसे घर में होते हैं ना, तो मेरे अनुसार से चले, मेरे पति चले, मेरी पत्नी भी चले, मेरे बच्चे चले, माँ बाप को लगता है। और यहाँ भी वही आके कि मेरे अनुसार से गुरु भी चले, और गुरु तुम जो चाहोगे वो कभी देगा भी नहीं, गुरु तो वही देगा जो आपके लिए जरूरत है अभी। आपकी चाहत के अनुसार वाला कुछ भी नहीं देगा, भ्रम बस लगेगा कि हाँ गुरुजी ने मेरे चाहत के अनुसार कुछ घटित हो गया, अवेकेंड हो गया। नहीं नहीं, जो जरूरत है समझे में अपने आप चीजें होती है।
ठीक है।